अब तक की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यूपी बोर्ड 25 जुलाई तक परिणाम घोषित करने की तिथि का हो सकता है ऐलान। इस वीडियो में जानेंगे यूपी बोर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आइए आपको बताते हैं आगे कि क्या निकल के आ रहा है न्यूज़ अमर उजाला की तरफ से। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP इसी सप्ताह कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करने की तिथि का ऐलान कर सकते हैं। मीडिया की माने तो मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक बोर्ड ने परिणाम जारी करने की तैयारियां काफ़ी हद तक पूरी कर ली है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 10वीं और 12वीं का परिणाम साथ में जारी होगा या अलग अलग दिन होगा, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा 25 जुलाई यानी रविवार तक कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित करने की तिथि का ऐलान कर देंगे। और आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक नहीं जारी हुआ था 12वीं का रोल नंबर। अभी तक बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के रोल नंबर जारी नहीं किए हैं, जिसकी मदद से वह अपना परिणाम देख सकेंगे। यही वजह है कि मीडिया रिपोर्टर्स में कक्षा 10वीं का परिणाम पहले और कक्षा 12वीं का परिणाम बाद में जारी करने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.education.in पर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के रोल नंबर जारी कर दिए हैं। तो अभी तक इतनी ही न्यूज़ निकल के आ रही थी अमर उजाला के तरफ से। जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ है ये। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए वरना डिसलाइक करिए, और कमेंट में बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। अपने दोस्तों के साथ यह इन्फॉर्मेशन शेयर करिए ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।